अगर मुझे कोई पूछे कि 2023 की सबसे खास बात क्या थी, तो मैं उसको बस यही दो क्लिप्स दिखाऊंगा। जय हिंद। SRK ने जिस तरह इस साल की शुरुआत की थी, बस उसी अंदाज में इस साल को खत्म करने वाले हैं। इसे कोइंसिडेंस कहो या कोई इशारा कि उन्होंने पठान के ट्रेलर के एंड में भी जय हिंद कहा और डंकी के ट्रेलर के एंड में भी, मतलब समझ रहे हो ना, पठान ने जिस तरह कितने रिकॉर्ड्स तोड़े थे और कितने नए रिकॉर्ड्स बनाए थे, बस वही काम करने वाली है डंकी भी। देखो, कुछ लोगों को शिकायत हो सकती है कि ट्रेलर बस एवरेज ही था। मुझे भी लगा कि वो एवरेज ही था, लेकिन ट्रेलर की वजह से हम फिल्म को जज नहीं कर सकते इन राजू हिरानी केस, क्योंकि अगर तुम उनके के फिल्मों का भी ट्रेलर देखोगे तो वो एवरेज ही है, जो कि उनके फिल्मों के बारे में कुछ ज्यादा कुछ बयां नहीं करती। लेकिन हाँ, ये मैं मानता हूँ कि थोड़ी सी बेटर एडिटिंग की जा सकती थी। चलो, इन सब चीजों को साइड में रखते हुए ट्रेलर से क्या क्या कुछ पता चला वो देखते हैं।